कहीं से भी डैमेज किए बिना आसानी से खुल जाता है। ये बिल्कुल ही ऐसा पेस्ट आता है, इसे बस हिलाना है। थिनर का रेशियो है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप जितना अच्छे से घिसोगे उतना ही अच्छा हमारा मेटल प्राइमर इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि जो मेटल प्राइमर है वो जंग को आने नहीं देता है, पर पहले से लगे हुए जंग को वो कैसे रोक पाएगा। तो एक साथ सभी जगह पे कैसे करोगे, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। तो आप भी हमें बोला कि आपको खुद आता नहीं। और हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है एशियन पेंट का येलो मेटल प्राइमर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि ये जंग प्रोटेक्शन होता है, और इसके अंदर एज ए मिक्स करने के लिए हम थिनर या टर्पेंटाइन का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले इसे खोलना किस तरह से वो दिखाता हूँ, और उसके बाद मिक्स कैसे करना है वो सब दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले ओपन करने के लिए मेरे पास कुछ इस तरह का टूल है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, उसके अंदर इस तरह से हमें डालना है। तो ये टूल आपको चाहिए अगर आप पेंटर भाई हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ पे जाके इसे मंगा सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ प्रेशर नहीं लगता है और आराम से पूरा डब्बा हमारा कहीं से भी डैमेज किए बिना आसानी से खुल जाता है। जैसे कि आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, ये ढक्कन देखिए, तो पेंट वाले होते हैं ना शॉप वाले, वो ऐसा ही ओपनर रखते हैं, क्योंकि उनके पास हर बार ऐसे मिक्स करना होता है, टिंट डालना होता है, तो ये ढक्कन वगैरह कहीं से भी डैमेज ना हो, इसलिए ये वाला रखते हैं। अभी इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले लकड़ी या फिर डंडे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो इसके केमिकल वगैरह है वो सब मिक्स हो जाए। तो उसके लिए मैं ये वाली लकड़ी लेता हूँ और इस तरह से डाल के इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों पहले के टाइम पर जो रेड ऑक्साइड आता था ना, वो काफ़ी हार्ड आता था, और ऐसे मिक्स करने पर इस तरह का लिक्विड फॉर्म नहीं आता था। वहाँ पर दोस्तों दिक्कत ये होती थी कि ये जो हमारा अभी येलो मेटल प्राइमर, ये बिल्कुल ही ऐसा पेस्ट आता है, इसे बस हिलाना है और इसके अंदर थिनर वगैरह डाल देना है। उसके जगह पर जो रेड ऑक्साइड आता था उसे अंदर और ऊपर की तरफ उसका केमिकल तैरता होता था, अगर थोड़े टाइम रखा और नीचे एक गट्ठा हो जाता था, वो सॉलिड हो जाता था, तो फिर उसे अच्छे से ऐसे तोड़ तोड़ के केमिकल और उसे मिक्स करना पड़ता था, और उसमें टाइम वेस्ट होता था। तो इसलिए कंपनी ने ये लेटेस्ट बनाया है, ये आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, उसकी जितनी झंझट कुछ भी रही नहीं है। अभी अब इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए इसका एक मैं और डबल ले लेता हूँ। अब इसे मैं इसके अंदर डाल दूँगा। डालना कितना है, तो हमें जितना यूज़ करना है उतना ही डालना है, और इसकी जो थिनर का रेशियो है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया रहे। वैसे अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ना समझते हो डब्बे के ऊपर, तो यहाँ पर लिखा ही होता है साफ साफ। एक बार यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ब्रश यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर आप 6 से 8% ऑयल डाल सकते हो। ऑयल यानी कि टर्पेंटाइन, थिनर, जो भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्प्रे से कर रहे हो, जैसे कि स्प्रेइंग एप्लीकेशन, तो डायल्यूट यहाँ पर लिखा है 8 से 10% आप थिनर या फिर टर्पेंटाइन यूज़ कर सकते हो। अभी हम इसे स्प्रे से करने वाला है, तो इसके लिए मैं 8 से 10% इसके अंदर डाल देता हूँ। और अभी मैंने दोनों को 50-50 कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों को मैंने 50-50 कर लिया है, यानी कि 500-500 ग्राम कर लिया है। तो मुझे इसके अंदर कितना डालना होगा आप मुझे कमेंट में बताओ। दोस्तों आपने यहाँ पर बता दिया होगा कमेंट में, तो वैसे ही मैं अंदाजे से अभी ये 500 ग्राम है, तो उसका 10% होता है तकरीबन 50 ग्राम जितना, तो मैं उतना ही डालता हूँ इसके अंदर। ये हमारे पास थिनर है, क्योंकि हम 20 लीटर की बोतल लाते हैं, तो उसके वजह से हम इस तरह से इस तरह के बड़े बोतल में हम निकाल लेते हैं, और फिर जो हम काम करते हैं ना उसके अंदर ऐड करने में हमें आसानी रहे, इसलिए। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाकी बचा है उसे हम ढक्कन को बंद कर लेंगे। अब दोस्तों इसे हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये वाली स्प्रे गन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये स्प्रे गन के अंदर हम डालेंगे और फिर इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई इसके ऊपर हम करने वाला है, ये पूरा स्टैंड आप देख रहे हो ना, इस स्टैंड के ऊपर हम इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे। वैसे इसे सैंडिंग भी करना होता है, तो वीडियो में बने रहना, मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। दोस्तों गन में डालने के लिए एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, कि कुछ इस तरह का कॉटन का कपड़ा लेना है हमें, और फिर जो हमारा कलर है उसे छान के ही डालना है, और इस तरह से जो हमारे गन है उसके ऊपर आए उतना हमें कवर जैसा बना लेना है। आप कोई छन्नी वगैरह ले तो अच्छा है। इस तरह से हमें कपड़ा डालना है, और कुछ इस तरह से तीन तरफ या चार तरफ से पकड़ के इसके ऊपर हमारा जो अभी हमने रेडी किया था ना मेटल प्राइमर, ये वाला डंडे वाला, तो ये डालना है। अब डालना कैसे है, तो डायरेक्ट हमें धीरे धीरे कपड़े की वजह से नीचे ना गिरे उस हिसाब से डालते रहना है। दोस्तों ये मटेरियल से हमारा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना जो मॉडल, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए था, तो इसे हम जैसे ही हमारा कलर पूरा अच्छे से छान जाए, तो हम इसे कपड़े को फेंक देके कपड़े को डस्टबिन में हम फेंक देंगे, और उसके बाद इसे स्प्रे के ऊपर हम ढक्कन लगा लेंगे। अब हमारा ये रेडी है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने से पहले
इसे अच्छे से घिसना भी तो है, तभी इसे हम घिस लेते हैं। दोस्तों इस तरह की जंग लगी हुई चीज़ों को घिसने के लिए हम 150 नंबर का सैंड पेपर यूज़ करें। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे घिसना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से पूरा अच्छे से घिसना है हमें। अब जितना अच्छे से घिसोगे उतना ही अच्छा हमारा मेटल प्राइमर इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि जो मेटल प्राइमर है वो जंग को आने नहीं देता है, पर पहले से लगे हुए जंग को वो कैसे रोक पाए, इसलिए हमें अच्छे से सैंडिंग करके हो सके उतना जंग पहले निकाल लेना है। दोस्तों अभी घिसा तो ये जो डस्ट है ना इस तरह की, उसे हम डायरेक्ट कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, पर आप थिनर वाला कपड़ा लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ये वाली थिनर है ना, वो आपके सामने में थोड़ी देर पहले मेटल प्राइमर में डाला ना, वही है। अभी देखो इस तरह से हम साफ करेंगे तो कहीं पे भी ऑयल या डस्ट या ग्रीस जो भी लगा है ना पहले ही, तो वो अच्छे से साफ हो जाएगा और हमारा जो मेटल प्राइमर है काफ़ी अच्छी तरीके से और मजबूती से इसके ऊपर पकड़ बना पाएगा। मैं आपको एक बार साफ करने के बाद दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसे साफ किया है, ताकि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो अपने घर पे खुद से ही तो कैसे साफ कर सकते हो। तो एक बार मैं पहले इसे अच्छे से क्लीन कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले आपके सामने ये किस तरह से जंग लगा हुआ था, और अब देखो कितना है इसके जो नीचे का कलर है ना MS का, एकदम क्लीन आ रहा है। तो इसी तरह से करना है। अगर आपको ये फिर से लग रहा है कि ये मेटल वाला है, ये थोड़ा जंग लगा है ऐसा, तो जी हाँ दोस्तों ये जंग नहीं लगा है। इसके ऊपर आप अभी जो देखो आपके सामने ही मैंने ये थिनर वाला कपड़ा लगाया, तो कितना क्लीन लग रहा है, ऐसा क्लीन हमें कर देना है। अब दोस्तों इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ये हमने स्टैंड लिया है और उसके ऊपर कुछ इस तरह से रख देंगे, क्योंकि हमें सब जगह पर एक साथ करना है। इसीलिए दोस्तों अभी आपको आवाज़ कम आएगा, क्योंकि बाकी के मशीन वगैरह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन हमारा एयर का कॉम्प्रेस चालू है, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको गन को कुछ इस तरह से अभी पहले सेट कर लेना है, एयर वगैरह चेक कर लेनी है। हाँ हमारी रेडी है। तो अभी इसको लगाने के लिए नीचे का जो बेस है ना उसे भी हमें पहले जितनी भी डस्ट है उसे हटा लेना है, और उसके बाद स्टार्ट करना है नीचे वाला पार्ट सबसे पहले हमें कर लेना है। देखो दोस्तों गन से करने में ये फायदा होता है कि इसकी जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी अच्छी आ जाती है, और एक ही बार में कंप्लीट हमें जितना चाहिए वो फिनिशिंग मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो इस तरह से आप कॉटन या फिर बाकी कुछ कपड़े वगैरह से करोगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। ये करने के लिए हमें उसके 2-3 कोट करने ज़रूरी है, पर इस पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2-3 कोट करना पड़े, क्योंकि हम इसके ऊपर स्प्रे गन यूज़ कर रहे हैं। अभी एक साथ सभी जगह पर कैसे करोगे तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। पहले तो वहाँ पे कर लो जहाँ पर आपको लगे कि नहीं हमें पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे सीधा करते थे, जैसे कि आपके सामने मैं सब कर रहा हूँ। हर जगह पे नीचे भी अच्छे से कलर कर लेता हूँ, उसके ऊपर प्राइमर लगा लेता हूँ। ये पाइप के ऊपर भी अच्छे से लगा लो। अब मैंने आपके सामने ये छोटा सा जो पाइप है ना वो बाकी इसीलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे हमें पकड़ के इसे स्ट्रेट करना है, सीधा करना है। यहाँ पर दोस्तों देखो इस तरह से यहाँ से हमें इसे पकड़ लेना है अच्छे से, और इस तरह के उठा के जो हमने नीचे ये खिल्ली वाले पटिया रखे यानी कि इसके ऊपर नील वगैरह लगा के रखी है, तो बहुत ही कम जगह पर इसे डैमेज होने देगा। अभी ये इसे भी हम साइड में कर लेंगे, जो हमारा ये स्ट्रेट है ना पूरा बॉडी से हम साइड में कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं, अब ख़त्म हो गया इसका काम। आपके सामने ये पूरा मॉडल है कैसे हमने ये पूरा किया था, तो जो भी बाकी बचा है ना इसे घूम घूम के इस तरह से कवर कर लेंगे, अच्छे से पूरी जगह पे लगा लेंगे। ये
ये सब जो बाकी था ना वो नीचे की तरफ था, इसलिए तब आया नहीं था। तो यहाँ पर हमने इसे भी अच्छे से कवर कर लिया है। अब आप हमें कमेंट में बताओ कि इसमें से कहीं पे भी आपको कुछ भी बाकी दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो प्लीज बता दो, क्योंकि बाकी रखा तो हमें डांट पड़ेगी। और आपको सिखाते सिखाते बाकी रख गया तो आप भी हमें बोलोगे कि आपको कुछ आता नहीं और क्या कर रहे हो, हमें सिखाने पे आ गए हो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको नजदीक से इसे दिखा देता हूँ, पहले खुद में एक बार चेक कर लो। दोस्तों देखो, इस तरह से आपने पूरा कर दिया स्प्रे गन या फिर कपड़े या फिर ब्रश की मदद से, और कहीं पे ऐसे ड्रिप अगर आए तो डरने की बात नहीं, ये सूख जाए उसके बाद इसे हम सैंड पेपर से अच्छे से घिस सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये पूरा, जैसे कि मैं आपको ड्रिप दिखा रहा था, तो यहाँ पे ये करना गया, ये करने गया, ऊपर पाइप लगाए तो वहाँ पे थोड़ा ड्रिप हुआ है, तो वो हम सैंडिंग करके इसे अच्छे से जब सूख जाएगा तो क्लीन करके इसके ऊपर पेंट वगैरह कर सकते हैं। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आपके सामने देखो यहाँ से लेकर ऊपर कितना अच्छे से लग रहा है ना। तो दोस्तों ये था पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो मेटल प्राइमर, येलो मेटल प्राइमर को किस तरह से लगाते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं चलो और किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद।